नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आप सभी दर्शकों को ग्रीन लाइन न्यूज चैनल के माध्यम से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। आइए अब नजर डालते हैं बड़ी खबर की ओर। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे ग्रीन लाइन न्यूज। श्री बंशीधर नगर अनुमंडल में औचक निरीक्षण और दिए कई दिशा निर्देश। बंशीधर नगर अनुमंडल से अशर की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर जिले के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने सोमवार को अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अंचल कार्यालय में कई अभिलेखों की गहनता से जांच की। उन्होंने सीओ को राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने राजस्व कर्मचारियों से भी पूछताछ की। जांच के दौरान उन्होंने महदेया में प्रस्तावित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं गदवन में प्रस्तावित गिड्र निर्माण से संबंधित दस्तावेजों का लोचना किया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने कहा कि नए वर्ष में अंचल कार्यालय का निरीक्षण एवं अन्य वरीय अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है एवं पीएम किसान योजना में हुई गड़बड़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, राशि की रिकवरी भी ली जाएगी। मौके पर एसडीओ जयवर्धन कुमार, वीडियो अमित कुमार, सीओ अरुणिमा एवं एक दिवाकर दुबे समेत सभी राजस्व कर्मचारी मौजूद थे। पीएम किसान निधि के संदर्भ में कुछ शिकायतें मिली है, हम लोग उसकी जाँच करा रहे हैं और इसमें जो भी जिम्मेवार होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। साथ साथ राशि वसूली वगैरह के जो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, कराएंगे हम। आज अंचल में आया गया सर यहाँ पर? अंचल में तो एक रूटीन हम लोग आए थे विजिट में, नए साल में पदाधिकारी और कर्मियों के साथ एक बैठक किया गया। अंचल से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई, इन्हें आवश्यक निर्देश दिया गया है। जो कई प्रोजेक्ट जो यहाँ पर शुरू होने वाला है उसके भूमि हस्तांतरण के संबंध में भी जानकारी दी गई और इसी को उद्देश्य हम लोग यहाँ आए। इसमें न्यायालय प्रमुख है सर, न्यायालय को लेकर न्यायालय का जो गठन होना है उसके लिए न्यायालय का गठन कैसे ही चल रही है यहाँ पर, तो हम लोग का काम पहले से।